अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाब अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुलाब यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वेरिफिकेशन बेज के हवाले से। आप वेरिफिकेशन बेज अपने यूट्यूब चैनल पे किस तरह से ले सकते हैं और कितने सब्सक्राइबर्स हिट करने पड़ेंगे, और इसके अलावा वेरिफिकेशन बेज क्या है, और इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें कि वेरिफिकेशन बेज के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुलाब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा कर आल पे लाजमी क्लिक करें। तो दोस्तों चलते हैं वेरिफिकेशन बेज। जी हाँ, वेरिफिकेशन बेज दोस्तों आपने काफ़ी सारे YouTube चैनल्स देखे होंगे, उन चैनल्स के आगे एक गुड का निशान होता है, टिक का निशान होता है ब्लैक कलर का, तो वो वेरीफाइड चैनल जिसको बोला जाता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि वेरीफाइड जो चैनल्स होते हैं उनको अलहदा से कुछ फीचर्स मिलते हैं। नहीं दोस्तों, उनको फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे काफ़ी सारे आपने YouTube चैनल्स मतलब आपका एग्जांपल के तौर पे आपका YouTube चैनल जो है वेरीफाइड है और वेरिफिकेशन बेज भी मिला हुआ है, तो इस तरह का आपके YouTube चैनल के सेम तरह का एक और बंदा एक चैनल बना रहा है और आपकी तरह के कंटेंट बना रहा है, तो दोस्तों मसला इस तरह होता है कि काफ़ी सारी आपकी जो पब्लिक होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, मतलब कि आपके जो व्यूअर्स होंगे वो आपके चैनल्स को ईज़िली ढूंढ पाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके वेरिफिकेशन बेज होगा। और दूसरा हम एक तरीका बताते हैं छोटा सा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी दोस्त को कमेंट करते हैं, किसी वीडियो में कमेंट करते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे और भी चैनल वाले कमेंट करते हैं, उसमें मसला ये होता है कि अगर आपको बेज होगा तो हज़ारों की तादाद में जो है ना आपको कमेंट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे दोस्तों? तो वो इस तरह के लिए मिलेंगे क्योंकि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो वेरीफाइड है। तो ये फ़ायदे इनके हो गए हैं दोस्तों। नुकसानात तो इसके कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है वेरीफाइड चैनल्स जो होता है ना उसके नुकसानात कुछ नहीं होते हैं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इसको लेने के लिए आपको 100K सब्सक्राइबर होना चाहिए, मतलब कि 1,00,000 सब्सक्राइबर आपका जब कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद आपको दोस्तों ये जो है ना वेरिफिकेशन बेज टिक वाला वेरीफाइड चैनल कम्प्लीटली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जब ये आपका 100K सब्सक्राइबर हिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही ये चीज़ आप ले सकते हैं। और लेना दोस्तों कैसे है? लेना दोस्तों इस तरह का है कि जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस तरह से आप इजीली इसी को ले सकते हैं। जी हां, तो चलें दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको सिखाते हैं कि आप किस तरह से अपने YouTube चैनल पे आपका एग्जांपल के तौर पे आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और अब आप वेरिफिकेशन बेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से जो है ना बेज ले सकते हैं। एक और भी बात आपको बताता चलूं कि काफ़ी टाइम से कोविड-19 की वजह से, मतलब कोरोना वायरस की वजह से जो है ना YouTube जो है ना इसको होल्ड पे रखा हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के 1,00,000 के ऊपर सब्सक्राइब बन चुके हैं, मतलब हिट कर चुके हैं वो सब्सक्राइब, और उनको बटन भी, सिल्वर बटन भी मिल चुका है, और अब तक उनको टिक वाला जो गुड वाला वेरिफिकेशन बेज वाला निशान है वो अब तक नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, वो अब जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, और कल जो है ना यूट्यूब की तरफ से एक न्यू अपडेट आई थी, उन्होंने ये कहा है कि अब जो है ना आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और करने के बाद जो है ना अब आप जो है ना आपको इंशाल्लाह जो है ना टिक जो वेरिफिकेशन बेज है आपको ईज़िली मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और हम आपको पूरा तरीका आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको एक जो है ना वेरिफिकेशन बेज एक चैनल पे आया हुआ है, वो यूट्यूब वालों का है, ठीक है, क्रिएटर इनसाइडर। तो आप देख सकते हैं, तो इनका जो टिक मार्क है वेरिफिकेशन बेज है आया हुआ है, ठीक है, ये बेज आया हुआ है। तो दोस्तों ये 3,21,000 सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं, उसके बाद आया है। तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, मैं सबसे पहले वो चीज़ें आपको दिखाता हूं
जिनकी जरूरत पड़ेगी आपके चैनल पे। सबसे पहले आपका चैनल जो है ना 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, सबसे 1 to all 1 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है। उसके बाद आपके चैनल पे लोगो होना चाहिए, ठीक है, लाजमी लोगो होना चाहिए, कोई अच्छे वाला प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए। तीसरे नंबर पे दोस्तों चैनल आर्ट, ठीक है, वो भी होना चाहिए, चैनल आर्ट जो बैकग्राउंड जो होता है ना लोगों के बैक में होता है। तो दोस्तों इन दोनों की जब जरूरत पड़ेगी तब मतलब कि ये याद रहे कि इन दोनों को आप जब लगाएं तो ये कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे दोस्तों चैनल डिस्क्रिप्शन अबाउट, तो दोस्तों चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट में आपने देखा होगा, उसमें अबाउट में काफ़ी सारी मतलब अबाउट, आपके अबाउट मतलब जैसे कि आई एम गुलाब अली, मेरा अबाउट आप चेक करेंगे तो मेरा अबाउट लगा हुआ है, अबाउट लगा होना चाहिए, ठीक है। पांचवें नंबर पे आते हैं दोस्तों पब्लिक कंटेंट, मतलब आपका जो वीडियोज आपके हों वो पब्लिक होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, लाजमी पब्लिक होनी चाहिए। और छठे नंबर पे आता है दोस्तों यूनिक एंड रियल वर्क, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा लेता हूँ। यूनिक एंड रियल वर्क का इसका मतलब ये है कि आपका जो काम है, आपके जो वीडियोस हैं वो रियल होनी चाहिए, मतलब किसी का भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मतलब आपके काफ़ी सारे दोस्त क्या करते हैं कॉपीराइट मतलब वीडियोज डाल के और अपने सब्सक्राइबर हासिल कर लेते हैं 100 के मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर, दोस्तों तो इसी तरह नहीं होगा, ना ही आपको चैनल जो वेरिफिकेशन पेज है वो आपको मिल सकता है। ये जब आपके सारे जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे, ये जब सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अप्लाई का मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और न्यू टैब मैं ओपन कर लेता हूं, तो दोस्तों आपने यहां पर google.com को ओपन कर देना है, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया। तो यहां पर लिखना है आपने दोस्तों चैनल वेरिफिकेशन, ठीक है, चैनल वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये लिखने के बाद आपने इसको सर्च मार देना है, सर्च मारने के बाद आपके पास पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लिखा आएगा वेरिफिकेशन बेजेस ऑन चैनल्स यूट्यूब हेल्प, तो आपने दोस्तों इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, पहली वेबसाइट पे। जब आप इसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है COVID-19 हवाले, ठीक है। अब जो न्यू अपडेट आई थी उसमें ये कहा गया था कि दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि COVID-19 जो है ना वो जो है ना अब पहले था, अब खत्म हो चुका है, अब हम अपने YouTube चैनल्स को जिनको बेच देना होगा उनके चैनल्स हमने रिव्यू में कर दिए हैं और इंशाल्लाह उनको जल्द ही वेरिफिकेशन बेज मिलेगा। तो दोस्तों आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वेरिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है वेरिफिकेशन बेजेस ऑन चैनल्स, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है व्हेन यू सी अ टिक मार्क वेरिफिकेशन चेक मार्क नेक्स्ट टू अ यूट्यूब चैनल नेम्स इट मींस दैट यू हैज बीन वेरीफाइड दैट चैनल। ये देखें यूट्यूब वाले भी लिख रहे हैं कि जब आपको टिक मार्क वेरिफिकेशन बेज मिलेगा तो आपका चैनल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, मैंने भी आपको पहले यही बात की है। और दोस्तों अप्लाई के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको मतलब एक मार्क करके दिखाता हूँ, लिखा हुआ है एप्लीकेशन चैनल वेरिफिकेशन और नीचे ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये पढ़ सकते हैं आप, इसके नीचे जहां एलेबल लिखा हुआ है ना यू कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर अ चैनल वेरिफिकेशन वंस यू हैव 100 मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स इट लुक्स लाइक यूअर चैनल इज नॉट एलेबल येट, मतलब के मेरा जो चैनल है मेरा टेक्निकल गुलाब जो है ना वो एलेबल नहीं है क्योंकि दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइब अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। आप इंशाल्लाह सपोर्ट करें, आप कुछ करें, कुछ मैं करूंगा, जब 1 लाख कंप्लीट होगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर जहां पर लिखा हुआ है एलेबल येट लिखा हुआ यहां पर आ जाएगा अप्लाई,
जैसे कि हमने एक जब गूगल एडसन के लिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते थे, आईडी कार्ड बैकग्राउंड बैक और फ्रंट इस तरह का अप्लाई का ऑप्शन आ जाता, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। उस अप्लाई पे जैसे ही आपने क्लिक करोगे तो उसके बाद आपसे मांगेगा यूट्यूब चैनल का नाम मांगेगा, उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल का जो चैनल आईडी होता है दोस्तों चैनल आईडी मांगेगा, ठीक है। चैनल आईडी आप सब दोस्तों को पता है चैनल आईडी कहाँ पे होता है। चैनल आईडी जब आप अपने यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो कस्टम चैनल पे जाएंगे, उसके बाद वहां पर सेटिंग में जाएंगे, वहां पर चैनल आईडी लिखा होगा, ठीक है। वो चैनल आईडी कॉपी करके उसमें डालना पड़ता है, डालने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, सबमिट करने के बाद आपको जो है ना लिखा आएगा कि आपका चैनल रिव्यू में चला गया है और इंशाल्लाह आपको कुछ ही टाइम के बाद आपको जो है दोस्तों वेरिफिकेशन बेज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप YouTube चैनल अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, हिट कर दिए, तो इस तरह से अपने YouTube चैनल पे वेरिफिकेशन बेज का अप्लाई भी कर सकते हैं। और जो न्यू अपडेट मैं अगेन से अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, COVID-19 की वजह से होल्ड में था, ठीक है, होल्ड में था वेरिफिकेशन बेज, अब जो है वो ओपन हो चुका है और चैनल्स काफी सारे रिव्यू में चले गए और काफी सारे दोस्तों के अब जो है वो जो है वेरिफिकेशन बेज मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, इंशाल्लाह अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुलाब को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं दोस्त सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भी कुछ सपोर्ट होगा, मेरा भी अपना भी सपोर्ट होगा, मुझे भी एक YouTube चैनल पे बेज मिलना चाहिए, ठीक है। हमारे YouTube चैनल का नाम है टेक्निकल गुलाब और यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी दबा के आल पे लाजमी क्लिक करना है, ठीक है, लाजमी से लाजमी प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इंशाल्लाह अच्छी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लूंगा इजाजत, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।